हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का प्रॉब्लम सेट 50। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज गिवन बिलो, फाइंड इट्स एरिया। सो स्क्वायर की साइड की लेंथ दी गई है, इसका एरिया निकालना है। तो फर्स्ट साइड दी गई है 12 मीटर, 12 मीटर साइड वाली स्क्वायर की हमें एरिया निकालनी है। तो बहुत इजी रहता है, सिर्फ आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप लर्न कर लो। एक बार आपका लर्न हो गया, आपको इसके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखो, अभी एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द स्क्वायर लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड। ओके, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर। अभी फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड ये जो दी गई है 12 मीटर, ये लेंथ ऑफ साइड है, वो 12 है, और वही वैल्यू हमें फिर से लेनी है, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, सेम लेंथ की रहती थी। लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड, जो लेंथ है साइड की उसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। साइड अगर 12 है तो 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। सो 12 स्क्वायर मीटर। ओके, ये वैल्यू मीटर में दी है, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, स्क्वायर मीटर आ जाएगा। स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि मीटर की हमने मल्टीप्लिकेशन की है ना। अभी यहाँ पे सेकेंड जो वैल्यू दी गई है स्क्वायर की, जो साइड दी गई है वो 6 मीटर दी गई है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो पहले हम ये वैल्यू लिख लेंगे, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मीटर। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड। लेंथ दी गई है 6, तो यहाँ पे 6 × 6 लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड, 6 × 6 = 36, और 36 क्या यूनिट आ जाएगा, स्क्वायर मीटर। अरे, इसका जो यूनिट दिया गया है वो सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। और हमें 25 मीटर ये स्क्वायर की साइड दी गई है, इस साइड वाली स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है। तो पहले हम लिख लेंगे, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड। तो लेंथ ऑफ साइड कितनी दी गई है, 25 मीटर। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो क्या आ जाएगा, 625, और इसका यूनिट मीटर में है, तो ये स्क्वायर मीटर इसकी फाइनल आंसर का यूनिट आ जाएगा। फोर नंबर यहाँ पे 18 सेंटीमीटर ये स्क्वायर की साइड दी गई है, इस साइड वाली स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है। तो पहले हम ये लेंथ दी गई है स्क्वायर की वो राइट कर लेंगे, द लेंथ ऑफ द साइड
ऑफ द स्क्वेयर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वेयर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड। लेंथ दी गई है 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 करना होगा। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 किया तो क्या आंसर आ जाएगा, 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है वैल्यू, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर इसका यूनिट आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ लैंड इज ₹900, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉट ऑफ अ लैंड दैट इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड। ओके, सो देखो 25 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड जो प्लॉट दिया गया है लैंड का, उस लैंड का हमें एरिया निकालना है, उस लैंड की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस लैंड का एरिया कितना आता है। अगर एरिया अगर हमें मालूम हो गया तो उस एरिया की कॉस्ट भी कितनी आएगी वो हम निकाल सकते हैं इजीली। तो पहले हमें 25 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड जो लैंड दी गई है ना, उसका एरिया निकालना है। लेंथ इज इक्वल टू 25 मीटर और ब्रीथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, अभी देखो हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड इज इक्वल टू, अभी ये रेक्टेंगुलर शेप का है क्योंकि इसकी लेंथ एंड ब्रीथ दी गई है। ओके, जो प्लॉट की लेंथ एंड ब्रीथ दी रहती है ऑलवेज रेक्टेंगुलर शेप का होता है। सो रेक्टेंगुलर शेप की जो प्लॉट है उसका अगर हमें एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, अभी लेंथ कितनी दी गई है 25 मीटर और ब्रेड्थ दी गई है 20 मीटर। लेंथ इनटू ब्रेड्थ 25 50 होते हैं, सो 50 और इन दोनों में एक जीरो है तो एक जीरो राइट कर लिया, कितना आ गया 500 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर किया तो फाइनली जो आंसर मिलने वाला है, फाइनली जो यूनिट मिलने वाला है वो स्क्वायर मीटर। इसको ही आप कैसे लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। 1 square meter जो प्लॉट है लैंड का उसकी कॉस्ट हमें दी गई है 900 meter, तो हमें पूरे इस 500 square meter एरिया की कॉस्ट कितनी आएगी वो निकालना है। ओके, द कॉस्ट ऑफ 1 square meter प्लॉट ऑफ लैंड इज इक्वल टू रुपीज 900। तो हमें पूरे इस 500 square meter जो प्लॉट है उसकी कॉस्ट निकालनी है। द कॉस्ट ऑफ 500 square meter ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इज इक्वल टू ₹900 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू ₹9545 और 1 2 3 4 फोर जीरो है तो यहाँ पे 40 राइट कर लिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 450,500 square meter का जो प्लॉट है उस प्लॉट की कॉस्ट हो जाएगी 550,000। The cost of the plot of land is
रुपीज 4,50,000। एग्जाम्पल नंबर थ्री है, द साइड ऑफ अ स्क्वेयर इज 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इज विड्थ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बोथ द फिगर। यहाँ पे स्क्वेयर की साइड 4 सेंटीमीटर दी है, उसकी पेरीमीटर एरिया निकालनी है, और रेक्टेंगल की भी सेंटीमीटर लेंथ एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर दी गई है, उसकी भी पेरीमीटर और एरिया हमें निकालनी है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, स्क्वेयर जो 4 सेंटीमीटर वाला जो स्क्वेयर है उसकी पेरीमीटर एंड एरिया निकाल लेते हैं। ओके, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। ओके, 4 इंटू लेंथ कितनी दी गई है, 4, तो 4 4 16 सेंटीमीटर ये आ गई इस 4 सेंटीमीटर साइड वाली स्क्वेयर की पेरीमीटर। ओके, अभी हम एरिया निकाल लेते हैं, अभी हम एरिया निकाल लेते हैं स्क्वेयर का। द एरिया ऑफ द स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड, 4 4 16, तो 16 स्क्वेयर सेंटीमीटर ये आ जाएगा इस 4 सेंटीमीटर साइड वाली स्क्वेयर का एरिया, 16 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ओके, अभी हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ओके, तो देखो 2 इंटू लेंथ कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दी गई है प्लस 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, 8 2 16, 16 सेंटीमीटर प्लस 2 2 4 सेंटीमीटर। ओके, 16 प्लस 4 20 हो गए, तो 20 सेंटीमीटर आ गई इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर, रेक्टेंगल की पेरीमीटर। ओके, अभी हम एरिया निकाल लेते हैं इसी रेक्टेंगल का। तो देखो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 8 2 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आ गया एरिया। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अभी हम फाइनल आंसर में दोनों फिगर का पेरीमीटर एंड एरिया राइट कर लेते हैं। देखो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 16 स्क्वेयर सेंटीमीटर। अभी रेक्टेंगल का, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया
इज 16 स्क्वेयर सेंटीमीटर। इसी यूनिट को आपने सेंटीमीटर स्क्वेयर ऐसा राइट किया तो बोथ आर दी सेम रहता है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 है, व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ लाइंग द फ्लोर ऑफ एन असेंबली हॉल दैट इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड इफ द कॉस्ट ऑफ लाइंग 1 स्क्वेयर मीटर इज रुपीज 80। 1 स्क्वेयर मीटर टाइल अगर लाइंग करनी है तो उसकी कॉस्ट 80 रुपीज दी गई है, तो हमें पूरे 16 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड एरिया जो है असेंबली हॉल का, उसका कितना एरिया आता है वो निकालेंगे। जो असेंबली हॉल की लेंथ एंड ब्रेथ दी गई है उसकी हेल्प से हमें उस असेंबली हॉल का एरिया निकालना होगा। तो चलो एरिया निकाल लेते हैं। द एरिया ऑफ द असेंबली हॉल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो अभी देखो लेंथ कितनी दी गई है 16 मीटर और ब्रेथ दी गई है 12 मीटर। 16 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 192 स्क्वेयर मीटर आ जाएगा। ओके, और हर एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट यहाँ पे हमें 80 रुपीज दी है, तो पूरे 192 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी आएगी वो हम निकाल लेते हैं। तो देखो द कॉस्ट ऑफ लाइंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू रुपीज 80। ओके, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ लाइंग 192 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू रुपीज, कितने रुपीज है, वन स्क्वायर मीटर के 80 रुपीज है, तो रुपीज 80 मल्टीप्लाई बाय 192। तो देखो 8 2 16, 16 का 6 यहाँ पे कैरी 1, 8 9 72, 72 प्लस 1 73 हो गए, 73 का 3 यहाँ पे कैरी 7 आ गया। ओके, और 8 1 8 प्लस 7 15। ओके, तो यहाँ पे 15 और इन दोनों में एक जीरो है तो वो राइट कर लिया। ओके, द कॉस्ट ऑफ लाइंग इज रुपीज 15,360। एग्जाम्पल नंबर 5 है, द फिगर गिवन शोज सम स्क्वेयर्स, फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वेयर्स विद द सेम मेजर विल फिट इन द एम्प्टी स्पेस इन द फिगर। तो यहाँ पे इस एरिया के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कितने पूरे इस एरिया में कितने स्क्वायर फीट हो जाएंगे वो निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा द एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू 4 × 3 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो इसमें इस पूरे एरिया में 12 स्क्वायर यूनिट्स फिट हो जाएंगे। ओके, वो कैसे, देखो हमने 4 × 3 क्यों किया, 1 2 3 स्क्वायर है और यहाँ पे 1 2 3 4 है टोटल, इसलिए 4 × 3 किया तो यहाँ पे इस पूरे एरिया में टोटल 12 स्क्वायर आ जाएंगे। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 ऑलरेडी 6 स्क्वायर है यहाँ पे, और अदर कितने स्क्वायर यहाँ पे फिट हो जाएंगे वो भी हमें निकालना होगा। और उससे पहले यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ऊपर वाला, ये स्क्वायर छोड़कर, तो इस स्क्वायर में कितने, इस एरिया में कितने स्क्वायर फिट होंगे वो भी निकालना होगा हमें। तो 12 में से ये 6 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो देखो हम लिखेंगे 6 स्क्वायर्स आर शोन इन द
फिगर, फिगर में सिक्स स्क्वायर शो कर दिए गए हैं, ओके। फोर 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर्स, ओके। यहाँ पे कितने स्क्वायर आ जाएंगे? 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर व्हील फिट इन द एम्प्टी स्पेस। इस एम्प्टी स्पेस में 6 स्क्वायर फिट हो जाएंगे। तो देखो 6 स्क्वायर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर यहाँ पे फिट हो गए। एग्जांपल नंबर 6 है, डिवाइड द गिवन फिगर इनटू 4 पार्ट्स इन ईच सच अ वे दैट द एरिया एंड शेप ऑफ ईच पार्ट इज द सेम। तो यहाँ पे इस दिए गए फिगर के हमें 4 इक्वल पार्ट करना है और सभी पार्ट का एरिया एंड शेप सेम होना चाहिए। कलर द पार्ट्स विद डिफरेंट कलर, ओके। जो पार्ट मिलेंगे उनको डिफरेंट कलर से कलर भी करना है। तो देखो यहाँ पे ये जो फिगर दी है उसके कलर करने की वजह हम इसके 4 डिफरेंट पार्ट बना के उसको डिफरेंट डिफरेंट शेड दे देते हैं, ओके। फर्स्ट ये जो तीनों है उनको हम ऐसे लाइन से दिखा सकते हैं, ओके। और 1 2 3 इन तीनों को हम ऐसे डॉट से शो कर सकते हैं। आपको ये शेड दिखाने के लिए पेंसिल का यूज करना है, ओके। एरिया सेम है और शेप भी सेम है, ओके। आफ्टर दैट देखो ये तीनों जो है ओके, ये फर्स्ट शेड, ये सेकंड शेड, ये थर्ड वन शेड और अब ये जो है फोर्थ वन शेड, ओके। ये ऐसे छोटी छोटी लाइनों से दिखाया है और ये जो है डॉट से दिखाया है, ओके। सिमिलर नहीं दिखना चाहिए क्योंकि डिफरेंट शेड है वो, ओके। अभी दिख रहा है, ओके। अभी 1 2 3 और ये 4 डिफरेंट शेड है, शेप भी सेम है, चारों का शेप भी सेम है, चारों का एरिया भी सेम है, ओके। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 5वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।